चेक भी मिल गए हैं. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए. पारस भला, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो. बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे लाइव में. और मुझे नहीं पता था आप लोग वेट कर रहे होंगे वैसे आप तो कर रहे होंगे, ये मुझे पता था. और थैंक गॉड कि आज मैसेज दिख रहे हैं. लास्ट टाइम पता नहीं लाइव में क्या हुआ था कि मुझे मैसेज ही शो नहीं हो रहे थे. और बताइए आप सब कैसे हो. और आई होप कि नेटवर्क इशू ना हो, क्योंकि ये नेटवर्क इशू ना बड़ा, मतलब रात को पता नहीं क्या हो जाता है. और सुबह से हमारे यहाँ ना बारिश हो रही है बाय द वे, तो अभी काफ़ी टाइम से बंद है, लेकिन आज मौसम थोड़ा मतलब ऐसा ही था, अच्छा था. और बारिश में ना क्या होता है कि थोड़ा सा नेटवर्क जो है ना हमारे यहाँ स्लो हो जाता है, तो इसलिए भी. और एक नाइट बोट वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या उटपटांग मैसेज करने लग जाते हैं पागलों वाले. आई होप कि नेटवर्क इशू ना हो, नेटवर्क इशू बड़ा ख़राब करता है यार. मैं आई थिंक एक महीना, पता नहीं शायद 2 महीने पहले लाइव आई होंगी, तो मुझे खुद भी याद नहीं है. नेटवर्क स्लो है, यस नेटवर्क स्लो है. क्यों स्लो होता है नेटवर्क, क्यों स्लो होता है? एक तो मैं इतने दिनों बाद लाइव आती हूँ, शकील अहमद हाय. एक तो मैं इतने दिनों बाद लाइव आती हूँ, और ऊपर से नेटवर्क में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है यार. नेटवर्क क्यों नहीं आता है समझ में नहीं आता. 4 लोग आ चुके हैं, प्लीज़ मैसेज करके बता दो भाई. और अब नेटवर्क क्यों स्लो है वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है पारस. अब मैं क्या कर सकती हूँ, नेटवर्क स्लो है तो कुछ नहीं हो सकता. वैसे मैं आज दिन में ना, हाँ, इंस्टाग्राम पे भी लाइव आई थी, तो जो लोग नए जुड़ेंगे या बाद में देखेंगे लाइव, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है. बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि शिमला से वापस मैं आ चुकी हूँ. स्मार्ट लग रही हो, थैंक यू पारस भला. बाय द वे मैं शिमला से आ चुकी हूँ, और हम एक ही दिन के लिए गए थे. आप लोग पूछ रहे थे कि कितने दिन, इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए हो, क्योंकि मेरी सिस्टर के पास भी 2 ही छुट्टी थी, उसको भी ऑफिस से 2 ही छुट्टियाँ मिली थी, और राज के बाद भी 2 ही छुट्टी होती है भाई, सैटरडे संडे. तो हमें एक रात में वापस आना था घूमकर. वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है घूमने का. हाँ, कुछ जगह है जो रह गई है जल्दबाजी में. और मॉल रोड तो गए थे, अभी मैं व्लॉग भी शेयर कर दूंगी, और फोटोज़ वगैरह भी, पिक्चर्स भी मैंने शेयर कर दी है इंस्टाग्राम पे, तो वो भी देख लेना, ठीक है. शिमला आने से पिंपल की कमी हो गई, पिंपल की कमी हो गई, नहीं कमी तो नहीं हुई है, ये देखो और बढ़ गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है. दाग तो लाइट हो गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि निकलने बंद नहीं हो रहे हैं. एक ठीक होता है, अगले दिन दूसरा निकल जाता है, तो ये चीज़ बहुत बहुत सुंदर लग रहे हो. आए आए, इतना मतलब बटन मत लगाओ शकील अहमद, आपने मुझे शायद आज यूट्यूब पे पहली बार ही देखा होगा लाइव में, और इससे पहले तो कभी लाइव में देखा ही नहीं है. मैं इसीलिए बोल रही थी, तुम इंस्टाग्राम भी डाउनलोड कर लो. संजय कुमार आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव में. आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो भाई. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. संजय कुमार प्लीज़ लाइक कर देना लाइव स्ट्रीम को, ठीक है. 4 लोग देख रहे हैं, और मतलब लाइक सिर्फ 2 मिल रहे हैं, बाकी के 2 लोग क्यों सो रही हो समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा, तारीफ पे घी लगा दे क्या? जी नहीं, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इंसान को पता होता है कि वो कैसा दिख रहा है, ठीक है. ये आप लोगों का प्यार है जो इतनी आप तारीफें करती हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और क्या बातें शेयर करनी थी? हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अभी तो लाइक कर दिए हैं. थैंक यू शकील, थैंक यू. मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि मतलब जो मेरे नए फॉलोअर्स जुड़ते हैं, या कुछ जो हेटर्स भी हैं. अफकोर्स जब आप थोड़ा सा कामयाब होने लगते हो, तो हेटर्स सबसे पहले बढ़ते हैं, ठीक है. चाहे वो सब्सक्राइबर हो, चाहे वो फॉलोअर्स के रूप में हो. कुछ लोगों का है तो ये हाल है कि इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ पे आके मतलब नेगेटिविटी फैलाने लगे हैं. और मतलब अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक बंदे को ब्लॉक किया था, एक टफर को ब्लॉक किया था, ठीक है. तो उसने क्या किया, अपनी खुंदस निकालने के लिए यहाँ पे आके बैड कमेंट कर रहा है. उसको लगा ये यूट्यूब पे है, तो यहाँ तो कमेंट देखेगी ही, ठीक है. मैम आपके फेस पर दाने दाने बहुत ज़्यादा हो गए हैं. जी हाँ, बहुत ज़्यादा हो गई हैं. पहले दोनों गालों पर थे, अब एक गाल पर ठीक हो गए हैं, एक के ठीक नहीं हो रहे हैं. ये देखो, ये रियल स्किन है, ठीक है, ये ठीक नहीं हो रहे हैं. और मेरी जो दवाई है, मैं आपको बता दूँ, लास्ट 6 मंथ से या 7 मंथ से खा रही हूँ. वो सब फालतू लोग जी हाँ शकील है, मतलब क्या कर सकते हैं. बट हाँ, मुझे इस बारे में बात करनी थी कि अभी तो चैनल ग्रो हुआ भी नहीं है भाई. जब मेरे 1-2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, फॉलोअर्स हो जाएंगे, तब बात करना, ठीक है, तब मुझे लगेगा. अभी तो कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं हुआ है. और अभी गाल चमक रहा है आज, हाँ चमक रहा होगा, पिंपल अलग दिख रहे होंगे.
अमन आ गए। हाय दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अमन, पहले तुम अमन श्रीवास्तव लिखते थे, अब तुमने खाली अमन लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों? आज मैं वैसे तुम्हें दिन में याद कर रही थी अमन, जब हम दिल्ली में मिले थे तो मैं याद कर रही थी उस बात को कि वो कितना अच्छा मोमेंट था कि मैं अपने पहली बार मतलब ऑनलाइन फ्रेंड से मिली, सब्सक्राइबर से मिली, भाई से मिली, तो तीनों ही हो तुम, तो फॉलोअर भी हो, भाई भी हो, सब्सक्राइबर भी हो, फैन भी हो, तो मैं उसी मोमेंट को आज याद कर रही थी दिन में, ऐसी कुछ बातें याद आ रही थी। तो आई विल ट्राई टू ग्रो योर चैनल, आई विल शेयर योर वीडियो। थैंक यू शकील अहमद, थैंक यू सो मच। अमन मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। फोटो भी हटा दिए है मैंने, तो क्यों हटा दिए है? रिश्ते आने लगे थे क्या? फोटो हटा दिए? ये तो फोटो लगाने का समय है, तुमने हटा दिया है। बस ऐसे ही चेंज करता रहता हूँ मैं, ये फोटो में क्या लगाया, मुझे तो ये भी नहीं दिख रहा तुमने फोटो में लगाया है क्या है, बस समझ में नहीं आ रहा क्या लगाया। छोड़ो, मैं भी दिल्ली से हूँ। ओके पारस भल्ला, बट आपको मैं पहले नहीं जानती थी, ये 3 साल पहले की बात है। आई थिंक हम 3 साल 2 साल हो चुके हैं शायद हम जब मिले थे, मुझे याद नहीं है ठीक से, बट हाँ 2-3 साल तो हो चुके हैं उस बात को। हाँ 2 साल पहले मिले थे हम, तो जब पता होता तो आपसे भी मिल ही लेते लगे यार, ठीक है। ऑल ब्लैक, अच्छा भाई अच्छी सी बढ़िया सी डीपी शिपी लगाओ भाई, मतलब डीपी लगाओ अच्छी लगती है। ब्लैक, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है जो तुमने ब्लैक ब्लैक कर दिया सब कुछ? हाँ ब्लैक कपड़े ज़रूर पहनो, वो पसंद है मुझे। बताया तो था मैंने दिल्ली से हूँ डियर। ओके पारस, लेकिन आपने तब नहीं बताया था, मैं तो अभी आपको जस्ट 1 मंथ भी नहीं हुआ है शायद जानती हूँ, आई थिंक 10-15 दिन से ही, पता नहीं 1 मंथ से जानती हूँ शायद, मुझे याद नहीं है, बट अभी कुछ दिनों से जानने लगी हूँ, 2 साल पहले नहीं जानती थी मैं आपको। 4 साल से हम कनेक्ट हैं दीदी, 4 साल हो गए हैं, वाओ थैंक गॉड कि तुम अब तक टिके हुए हो। हाँ काफ़ी मेरे ऐसे, मुझे याद है कि ऐसे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, ऐसे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो स्टार्टिंग से, जब मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, यूट्यूब पर आने के बाद ही मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, तो 4-5 साल हो चुके हैं इस बात को, और तभी मैंने हाँ 10 या 15 दिन कर दिया। सॉरी मुझे याद नहीं है पारस, तो आप खुद ही बता दो कितने दिन हो गए हैं, मुझे खुद भी याद नहीं है। आई थिंक हाँ 10-15 दिन तो हो चुके हैं, यहाँ 1 महीना हो गया होगा, मैं तो ओल्ड टाइम रहने वाला हूँ। थैंक यू अमन, थैंक यू। हाँ तुम्हें बच्चों की शादी में भी बुलाना है। तो बस, और मैं क्या कह रही थी, क्या कह रही थी मैं, हाँ मैं ये कह रही थी पारस बल्ला, मुझे खुद भी याद नहीं है, तो आप मतलब उस टाइम पे नहीं थे भाई, नहीं थे तो नहीं थे, अभी तुम 1 महीने से तो कनेक्ट हुए हो ठीक है, तो इसलिए मतलब बेचती नहीं, नहीं ये बेचती नहीं है। बता रही हूँ, अगर उस टाइम पे जानते होते तो शायद बात कर लेती। दोनों बच्चे और जीजू कैसे हैं? सब ठीक है, सब बढ़िया है, और जो थकान है वो आज जाके थोड़ी सी कम हुई है, शिमला में भाई पैदल घूम घूम करना टांगों की बैंड बज गई थी सच में। 5वें पर्सन जो चुपचाप देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए लाइव स्ट्रीम को, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन लोग लाइव। थैंक यू लाइक करने के लिए, वाओ कहते ही लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच। ट्रिप कैसी रही आपकी दीदी? बहुत अच्छी थी और बहुत थका देने वाली भी थी, क्योंकि जाखू मंदिर जो था ना ऊपर हनुमान जी के मंदिर में जब हम गए तो आधे रास्ते में पैदल चलना पड़ा था, और क्योंकि राज की नई नई ड्राइविंग थी भाई वहाँ पर, थोड़ा सा राज यू नो होता है ना घबराहट सी कि पता नहीं इतनी हाइट पे गाड़ी चढ़ा पाएंगे या नहीं, तो थोड़ा सा गैस वो था। सीसीटीवी है कोई? सीसीटीवी क्यों, सीसीटीवी का क्या करना है? तो इसलिए रोशन अख्तर, आप मेरी रिक्वेस्ट भूल गए, आपने कौन सी रिक्वेस्ट की थी? आई एम सॉरी मुझे याद नहीं है कौन सी रिक्वेस्ट की थी। एक्चुअली पता है क्या होता है रोशन अख्तर, आई थिंक मैं आपका नाम जो है सही प्रोनाउन कर रही हूँ, अगर कुछ गलत हो जाए तो माफ़ कर देना ठीक है। अब क्या होता है कि हर दिन नई नई रिक्वेस्ट आती रहती है, अभी मुझे जो एक रिक्वेस्ट आई थी मैं आपको बता दूँ, फेस शेविंग की आई थी कि फेस पर अपने शेविंग क्रीम लगाकर दिखाइए, तो आई एम सो सॉरी मैं नहीं लगाकर दिखा पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि अभी आपने अपने फेस पर कोई भी ऐसा केमिकल वाला या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगानी है सिवाय मेडिकेटेड दवाइयों के, ठीक है। बाय द वे योर कंटेंट इज़ ग्रेट, थैंक यू अख्तर जी, थैंक यू। अरे लाइव में सीसीटीवी है, कोई बाहर से देख रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं देख रहा है, कहाँ है? डरा रहे हो? कोई नहीं देखेगा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा लगा सुन के आपकी सारी फोटोज देखी इंस्टा पे दीदी, थैंक यू अमन, थैंक यू। लाइक भी कर देते वैसे, मुझे पता तुमने कर दिया होगा।
अब क्या होता है ना कि इतने सारे कंटेंट आते हैं, तो इसलिए मैम आपने अपने फेस के अनचाहे बाल हटाने के लिए कोई गलत क्रीम यूज़ तो नहीं कर ली? नहीं, अभी क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि ये जो दाने वाने निकले ना, ये एक्ने की जो प्रॉब्लम हुई है, ये मुझे 3-4 साल पहले भी हुई थी, लेकिन उस टाइम पे ठीक हो गए थे। अभी लॉन्ग टाइम बाद मुझे ये दोबारा से निकले है, मतलब 1-2 साल बाद दोबारा से निकले है। मैंने डॉक्टर को भी यही बोला है, तो उन्होंने यही बोला है, मैं आपको बता दूं कि इस एज में निकलते ही हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये 40 या 45 की या 42 की एज तक निकलते हैं, मतलब 40-45 साल की उम्र में भी ये निकलेंगे। तो इसलिए प्लीज़ मुझे बार बार इसके लिए ना टोके, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपके बाहर से नहीं यार, लाइव जो देख रही हैं वो कमेंट एंड लाइक नहीं कर रहे। अच्छा हाँ, आप देखो ना, 8 लोग देख रहे हैं, ठीक है, 8 लोग देख रहे हैं, लाइक मुझे सिर्फ 5 मिले हैं। तो कंजूसी करते हैं लोग, मैं क्या करूं। और वैसे अगर कोई वीडियो डाल दूँ ना, तो धड़ल्ले से ये नेगेटिव कमेंट करेंगे। लाइक तो आपने अपने आप हो जाता है मेरे साथ, तो हाँ ये चीज़ मैं जानती हूँ, तुम लाइक कर देते हो हमेशा। यूट्यूब पे भी अमन, तुम एक ऐसे ही मेरे रियल सब्सक्राइबर, मेरे रियल भाई लगा लो, और मतलब भाई बंधु, बंधु बोलते हैं, भाई बंधु हो, फॉलोअर्स भी हो, सब्सक्राइबर भी हो, जो इतने टाइम से कनेक्ट हो, और जो बिना कहे मेरी वीडियोस को, पोस्ट को, रील्स को, पिक्चर्स को, सबको, कम्युनिटी पोस्ट को लाइक करते हो, बिना कहे लाइक कर देते हो। अगर कम्युनिटी पोस्ट को लाइक नहीं करते हो तो कर देना, ठीक है। देखो मैंने इतनी तारीफ कर दी है, तो इसलिए तो लाइक कर ही देना, तभी तो CCTV बोल रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, वैसे ये बात भी है, कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं, क्या करें, मतलब मैं क्या बोलूँ। मैं मेरे जो रियल सब्सक्राइबर है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनका तो मुझे पता है कि कौन कौन लाइक करता है, कौन नहीं करता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे, फेक फॉलोअर्स भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, जो मतलब ये लगा लो कि सिर्फ उनको, कुछ लोग ऐसे भी जिनको सिर्फ ये देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, किससे बातें कर रही हूँ, क्या बातें कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ठीक है भाई, देखो आई डोंट केयर, ठीक है, जिसको तो देखना है देखो। तभी तो मैं फेक हूँ क्या फिर? नहीं पारस भला, मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। आप अपने आप ही बोल के, अपने आप ही सवाल जवाब करके, अपने आप ही स्माइल करने लग जाते हो, तो मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा लगता है दीदी, थैंक यू अमन, थैंक यू। अच्छा वैसे क्या अच्छा लगता है? मेरी पिक्चर्स, फोटोज, रील्स, क्या मैं जब तुम्हारी तारीफ करती हूँ वो अच्छा लगता है ये भी बता देना, ठीक है। बाय द वे, आज डिनर में आप लोगों ने क्या क्या बनाया है वो बताओ, क्योंकि मैंने तो डिनर में आज वो चीज़ बनाई है जो किसी को शायद जल्दी से पसंद नहीं आती है। बदास गाय जेड जेड, ऐसा क्या नाम है यार, बदास, बदास बोलूँ, बढ़ास बोलूँ, क्या बोलूँ। आपकी बेटी के हेयर बहुत सुंदर है, उसमें एक्सपेरिमेंट करा करें। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, तारीफ के लिए शुक्रिया। लेकिन मैं आपको बता दूं जनाब कि अभी देखो वो एक तो बहुत छोटी है, तो मैं उसके बालों में ना कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहती हूँ। और क्या बनाया है बाय द वे, आज क्या बनाया है? वैसे सबको समझ में आ गया होगा, आज करेला बनाया है, जो कि मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है, और जो कि शायद मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ मैं खा लेती हूँ। और पहले नहीं खाती थी, शादी से पहले नहीं खाती थी, शादी के बाद ज़बरदस्ती राज ने खिलाया करेला, खाओ खाओ, खाना पड़ेगा तब जाके मैं करेला और भिंडी खाने लगी हूँ, वरना मैं भिंडी बोल रही हूँ, भिंडी, तोरी, और तुरई जो बोलते हैं, तुरई बोलते हैं, तोरी की सब्जी, और हाँ वो सब चीज़ें नहीं खाती थी मैं। धूमल आ गए हैं, हेलो हेलो हेलो, मुझे पसंद है करेला, अच्छा चलो आ जाओ खा लो मेरी भी पसंद है, ओ माई गॉड, आई लव यू कंटेंट, थैंक यू बदास गाय, थैंक यू। ये आदत कब जाने वाली है? टॉपिक क्या चल रहा है, भूल जाते हो भाई मैं क्या करूँ, मतलब क्या बोल रही थी, अभी देखो फिर से भूलने वाली हूँ, भूल जाती हूँ सच में। ये इतने सारे मैसेजेस दिखते हैं ना, तो कोई क्या पूछता है, कोई क्या कहता है, तो इसलिए कंफ्यूज होके फिर भूल जाती हूँ। खैर अभी जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, और जो भी आप लोगों ने मैं खुद ही हंसने लग जाती हूँ यार अपनी बात में, देखो मेरी टंग बहुत ज्यादा स्लिप होती है, बहुत ज्यादा स्लिप होती है सच में। देखो 7 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 5 मिले हैं, इतनी इतनी नाइंसाफी मत करो प्लीज। जो जो 2 लोग और देख रहे हैं, 2-3 लोग जो भी देख रहे हैं, प्लीज लाइक कर दो लाइव स्ट्रीम को। अरे भैया देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लाइक का मतलब, लाइक का कह रही हूँ, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना, मुझे आपके लाइक से पैसा मिलता है ना आपका कोई लगता है, तो इसलिए आपका जो हेयर एंड स्किन केयर प्लेलिस्ट है वो बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू। करेला, टिंडा, घिया और शिमला मिर्च, ये सब मैं नहीं खाता हूँ, ओके। बट मैं आपको बताऊँ, मेरी मॉम बहुत
स्वादिष्ट करेले बनाती है, बहुत मतलब सिंपल सा तरीका है लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। मुझे उनके हाथ के करेले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे अपनी मम्मी के हाथ की कढ़ी चावल, मतलब हर कुछ अच्छा लगता है यार, माँ के हाथ का खाना तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। देखो मेरे मुँह में पानी आ रहा है खाने का नाम सुन के। और ख़ास तौर से साग और मक्की की रोटी जो होती है गर्मा गर्म, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सर्दियों में, तो बहुत बहुत ज़्यादा, और वो भी मॉम के हाथ का। आज जो किया खाने के लिए, जो किया क्या किया जो किया क्या किया आज करेला बना है और पुदीने की चटनी बनाई है, सरसों का साग, सरसों सारा वो सर, मुझे पता है, मुझे समझ आ गया, इतना मत लिखो। क्या बनाया था मैंने, हाँ पुदीने की चटनी बनाई है, करेला, थोड़े स्प्राउट्स बनाए हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी में डाले थे, बच्चों को स्प्राउट्स खाने का बहुत मन हो, स्प्राउट्स बनाए थे, स्प्राउट्स की चाट बनाई थी, थोड़ी सी भी रखी है, और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। राज ने एक्चुअली जिम ज्वाइन किया हुआ है, मैं आपको बता दूँ, अभी 1 महीना होने वाला है राज को जिम जाते हुए, तो हाँ 1 महीना लगभग होने वाला है, शायद हो गया हो, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। तो राज के लिए मैं स्प्राउट्स जो है डेली में बनाती हूँ। अच्छा ये बताओ पिगमेंटेशन के लिए कौन सा सिरप बेस्ट है, सिरप? अमन तुम ये सब मुझसे इंस्टा पे पूछना, ठीक है? अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, वरना मैं टॉपिक से भटक जाऊंगी, कब कुछ बोलोगे, कुछ पूछूंगी, कुछ आप बोलोगी, क्या क्या बोल दूंगी मैं सच में, ठीक है? आफ्टर वॉचिंग द वीडियो ऑफ यू हैवी ऑयलिंग वीडियो, आई हैड ऑल्सो डू हैवी ऑयलिंग ऑन माई डॉटर हेयर। अच्छा हाँ ऑयलिंग का तो मैं कर सकती हूँ मिष्टी के बालों में, क्योंकि ऑयलिंग बहुत ही बेनिफिशियल होती है हेयर्स के लिए, बहुत अच्छी होती है। पहले मैं भी बहुत करती थी हेयर ऑयलिंग के, आपने वीडियोस देखे ही होंगे, अब से पहले मैं अपने बालों में ही करती थी, ये मिष्टी के बालों में शायद मैंने फर्स्ट ही बनाई है, सिरप के बदले शैम्पू बता दूँ, सॉरी। ओके मैंने एक लिया है, आप को फोटो शो करूंगा। ओके वैसे उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे अमन, कि ये ब्लेमिशेस के लिए है, पिगमेंटेशन के लिए है, वो सब कुछ चीज़ें मेंशन की होंगी, तो देख लेना, ठीक है? और सबसे अच्छी बात ये है कि बस भाई पानी ज़रूर पियो, हेल्दी चीज़ें खाओ, मुझे डॉक्टर ने भी यही बोला है, मेरे डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मुझे पता है क्या कुछ खाना है, लेकिन हाँ जंक फूड होता है, जंक फूड में भी मैंने बर्गर, आई थिंक शायद काफ़ी टाइम हो गया है, 3 4 महीने 5 महीने हो चुके हैं मुझे बर्गर खाए हुए, तो बर्गर वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन मोमोज बहुत खाती हूँ, वो भी स्टीम वाले, तले हुए नहीं खाती हूँ, दूसरे नहीं खाती हूँ। कैन यू यूज़ एलोवेरा जेल एंड एग ऑन योर डॉटर्स हेयर सो आई कैन यूज़ इट इन माई डॉटर्स हेयर? ओके ये मैं कर सकती हूँ, ट्राई करूँगी और अभी कर सकती हूँ, बस इन कुछ दिनों में ही मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मिष्टी के स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो उसके बाद मुझे जो है वक्त शायद नहीं मिल पाएगा। और राज का जो बैली फैट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था भाई, इसी वजह से राज ने जिम ज्वाइन किया है, मैंने बोला है अब और ज़्यादा पेट नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है फिट कम करो, क्योंकि आज के टाइम में आप जानते ही हैं कि कितना मतलब ज़रूरी है फिट रहना, हेल्दी रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और राज ना इतना ज़्यादा तला भुना भी नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बैली फैट इसलिए भी शायद बढ़ रहा है, क्योंकि क्योंकि उनकी जो जॉब है वो सिटिंग जॉब है, और सिटिंग जॉब में ना सिटिंग जॉब में बहुत ज़्यादा जो बैली फैट है बहुत ज़्यादा असर करता है उस पर, मतलब बहुत जल्दी फैट बढ़ते हैं। बाय द वे योर डॉटर हेयर इज़ वेरी शाइनी, हाँ जी थैंक यू, आपकी वो जो फोटो है ना जिसमें आप हिमाचली लुक में क्लोज पहना है हुआ था वो बेस्ट है, थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आपको वो लुक इतना पसंद आया। वैसे व्हाट्सएप पे भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, और इंस्टा पे भी बहुत ही अच्छे अच्छे लाइक्स मिले हैं, इतने सारे लाइक मिले हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच कि आपको वो लुक इतना अच्छा लगा, आप भी जिम कर लो। मैं जिम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी मेरे शिमला वाले कंटेंट ही नहीं जा पा रहे हैं, और उसके बाद डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे और भी कंटेंट पे काम करना है, इतनी सारी चीज़ें चल रही है माइंड में, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं माइंड में जो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, ठीक है? कुछ वीडियोज़ के रिक्वेस्ट भी आए हुए हैं, कुछ कोलेब्रेशन वीडियोज़ होते हैं, क्योंकि ब्रांड जब आपके साथ कोलैब करते हैं तो वो ना एक टाइम लिमिट दे देती हैं कि 10 डेज में या 7 डेज में, ज़्यादातर 7 डेज में होता है या 2 3 डेज में हमें वो कंटेंट शेयर करना होता है, लेकिन मैं हमेशा ब्रांड को यही बोलती हूँ कि पहले मुझे ये यूज़ कर कर देख लेने दो, पहले मैं ट्राई करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा कैसा लगेगा तभी मैं उसका रिव्यू शेयर कर पाऊँगी ना आप लोगों के साथ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, इसलिए मैं जिम ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। हालांकि मैं वर्कआउट कर लेती हूँ घर पर ही, थोड़ा बहुत जो भी बॉडी वार्म अप होता है मैं कर लेती हूँ जितना भी पॉसिबल होता है।
और मुझे नहीं लगता मुझे जिम की ज़रूरत है। और आई नो जिम करने से बॉडी जो है शेप में आ जाती है बहुत अच्छे से, और फिगर बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप फिट रहते हो, हेल्दी दिखते हो, बहुत कुछ होता है भाई। लेकिन नहीं है, समय ही नहीं है, मैं क्या करूँ, घर के काम कम है क्या, जो जिम भी करेंगे दीदी, घर के काम ये योगा का काम कर देता है। यस अमन, यस यस यस, गौरव मोदी आ गए हैं, हाय हाय, तबड़ा हाय हाय, तबड़ा हाय मत भेजो, आपका हाय मिल गया है, थैंक यू सो मच लाइव में ज्वाइन करने के लिए, और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए लाइव स्ट्रीम को। वैसे आई नो मुझे लग रहा है कि शायद आप वॉक करके आ चुके, आपने वॉक के लिए जाना था तो आप वॉक करके आ चुके हैं, और इसीलिए ये पारस भला क्या ऐसे, ये कौन सा मेंढक है, ये मेंढक है क्या है ये मुझे नहीं, मुझे समझ में आता यार। बाय द वे ये मैंने शिमला से ही लिया था, और क्यूट है ना छोटा सा, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और ये ब्रेसलेट जो आप देख रहे हो, ये जो कड़ा देख रहे हो, ये मुझे ब्रांड ने भेजा था, कोलैब में मिला था, इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और तब से मैंने ये अपने हाथ में पहना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं ज़्यादा हाथों में कुछ पहनती ही नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी क्या अच्छा लगता है, मुझे भी। शकील अहमद क्या बोल रहे हो, पानी पी रहे हो या लस्सी? पानी पी रही हूँ रात को, लस्सी आई नो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं रात को कभी कभी पी लेती हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ट्रिप दिल्ली का विंटर्स में लगाना, दिल्ली नहीं आना है मुझे अमन, रहने दो, तुम तो मत बुलाओ मुझे दिल्ली, मैं उस दिन आई और तुमने फ़ोन तक पिक नहीं करा है, मतलब बस रहने दो, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, अब मुझे दिल्ली नहीं घूमना है। वैसे भी मैं मजाक कर रही हूँ, और दिल्ली में अब मतलब क्या बचा है, आई नो दिल्ली बहुत बड़ी है, घूमने के लिए बहुत कुछ होगा, देखने के लिए, लेकिन नहीं, दिल्ली में मेरी सिस्टर नहीं बने करती, दिल्ली में वो फीलिंग ही नहीं आती है कि दिल्ली जाना है। आप जो लाइव है, हाँ जी बोलिए, मैंने भी हाथ में एक नज़र का टीका पहना है, जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है जब से मेरे थोपड़े पे ये दाने हुए हैं ना, मुझे नज़र बहुत लगती नज़र की वजह से ही हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये नज़र बटू डाल लिया, गजब की बेइज्जती, सॉरी अमन, आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, मजाक कर रही थी, जस्ट किडिंग, ठीक है। मैं यार, मैं जो मुंह में आता है ना वो बोल देती हूँ, मतलब मुंह पे बोल देती हूँ, मुझे घुमा फिरा के बातें नहीं करना आता है, बस ये मेरे अंदर एक बहुत बड़ी शायद कमी है एक्चुअली फ़ोन तो उठाया था मैंने, मुझे याद आया फ़ोन तो उठाया था, लेकिन हाँ नेटवर्क इशू था आई थिंक उस टाइम पे, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, फ़ोन तो उठाया था, मजाक कर रही हूँ, मुझे याद आ गया मैं ऐसी ही हूँ, मैं झल्ली हूँ, ठीक है। तो अरे दी उस टाइम पे बिजी हो गया कुछ काम आ गया था, कोई बात नहीं अमन, तुम प्लीज़ माइंड मत करो, मजाक कर रही हूँ, नज़र लग गई तुम्हें ज़बरदस्त, जी हाँ, अब ऐसी नज़र लगे कि थोपड़े पे निकले ही जा रहे हैं दाने वाने, पता नहीं कब ठीक होने वाली है, भगवान मेरे दाने जल्दी से ठीक कर दो, फेस मेरा जल्दी से साफ़ कर दो। आप मेरी पहले की जो 3-4 साल पहले की वीडियो देखोगे ना यार, उसमें एक भी पिंपल नहीं है, एक भी स्पॉट नहीं है, कोई डार्क स्पॉट नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ मुंबई आ जाओ, गौरव मोदी को मुंबई बुलाना है भाई, मैं मुंबई आऊँगी लेकिन समय निकाल कर आऊँगी, अभी ना तो समय है और ना ही अभी घूमने का मूड है, क्योंकि लगातार 2 ट्रिप मैंने कर लिया है, पहले ऋषिकेश, फिर अब शिमला, और नेक्स्ट मंथ भी कहीं सिस्टर सोच रही है, तो देखो पता नहीं, अभी सस्पेंस ही है, मैं सस्पेंस ही रहने देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, जैसे फाइनल होगा तो आपको पता चल ही जाएगा इंस्टाग्राम के द्वारा कि मैं कहाँ घूम रही हूँ, ठीक है, तो पता चल जाएगा आपको, और तो अभी तो ना ही पूछो तो ज़्यादा जाए, फेस साफ है ऑलरेडी, गोरा गोरा, अरे मुझे गोरा काला कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, ठीक है, मुझे गोरा गोरा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा फेस क्लीन हो जाए। रंग देखिए, भगवान ने 2 ही रंग बनाए, या तो काला है या गोरा, ठीक है, 2 ही रंग होते हैं, डार्क या फेयर, तो रंग से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, ब्राउन कलर है, मैं बहुत खुश हूँ अपने कलर से, ठीक है, बस मेरे ये स्पॉट चले जाएँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी यू नो 2-3 साल पहले वाली स्किन याद आ रही थी कि क्या करूँ, मतलब क्या कर लिया मैंने अपने फेस का। हाँ अभी देखो हेल्दी चीज़ें फिर से खानी शुरू करी हैं, खाती रहती हूँ, हेल्दी भी खाती हूँ यार, लेकिन पता नहीं पिंपल वाली चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी फेस पे लग जाती है कि हाँ इसे पिंपल निकल गए, मैं अकेली बक बक करे जा रही हूँ, कोई ना इस टाइम मैं आ जाऊँगा, ये चलेगा ना कुछ या कुछ कुछ बोला था पारस भला। वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी है, मुझे आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप मेरी एक एक वर्ड पे कितना ध्यान देते हो, कितना सुनते हो,
ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मेरी टंग बहुत ज़्यादा स्लिप होती है कुछ का कुछ बोल देती हूँ, ठीक है, तो इसलिए माइंड मत करना, तुम्हें हंसना है हंसो, नहीं हंसना है मत हंसो। बाय द वे किसी ने पूछा था पानी पी रहे हो या क्या पी रहे हो, देखो मैं अगर ज़्यादा वो करूँगी ना, ये देखो 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 पानी पी रही हूँ, ये देखो 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 पानी है, ठीक है। किसी ने पूछा था तुम वाइन पी रही हो क्या, तुम ये पी रही हो वो पी रही हो, अरे भाई मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं पीती हूँ, ठीक है। सो मैं आ बहुत सुंदर है, मैं बांग्लादेश से हूँ, अच्छा जी आप बहुत सुंदर है, मैं बांग्लादेश से हूँ, थैंक यू, तारीफ के लिए शुक्रिया, बांग्लादेश से, चलिए बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश से भी वैसे मेरे बहुत और भी हैं मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स, तो यस क्या बोलती हूँ मैं अरे जो भी नए फॉलोअर्स जुड़े हैं ना, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वीडियोस बाकी के देखने को मिल जाएंगे। हाँ मैं बैड कमेंट्स की कुछ बात कर रही थी, देखो फिर टॉपिक से भटका दिया पारस ने, ठीक है, ये इतने बड़े बड़े इमोजी भेजते हो ना, तो मैं कन्फ्यूज होती हूँ किस बात पर हंसी आ रही है। ओप्पो यार मेरी टंग बहुत ज़्यादा स्लिप होती है, मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा स्लिप होती है, पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ मैं, पागल हुआ सच में, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है, तुमने सुनना है सुनो, ज़्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना जाओ और बहुत लोग हैं सुनने के लिए अच्छा मैं कुछ लोगों को ये बोलना चाहती थी कि क्या बोल रही थी यार, देखो मतलब बुलवा ही दिया सच में, मेरा पेट दर्द हो गया जिसकी ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ चीज़ तो मैं भी बता सकता हूँ दीदी की, टॉपिक भूल जाती हूँ काफ़ी होती है, दिल की साफ है इसलिए मुंह पे बोलती है, और हंसती है तो हंसती रहती है, बट बेस्ट है मेरी, थैंक यू अमन, थैंक यू इतनी तारीफ के लिए, आपका स्माइल बहुत सुंदर है, अच्छा जी शुक्रिया, लाइफ से भगा रहे हो पारस जी को तुम बात ही ऐसी कर रहे हो, मुझे टॉपिक पे बोलने नहीं दे रहे हो यार, मैंने क्या टॉपिक बोलना था, हाँ एक नमूने को मैंने ब्लॉक किया था इंस्टाग्राम से, तो उसने क्या किया, यूट्यूब पे आके बैड कमेंट्स करने लग गया है, और भी काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि आप अपना चैनल बंद कर दो, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, भाई जब चैनल को देखते हो तो पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट चेक किया करो, पूरा एनालाइज किया करो भाई, वो वीडियो भी देखा करो ना जिसपे मिलियन में व्यूज़ आए हुए हैं, जिस पर 50,000 70,000 व्यूज़ आए हुए हैं, इतने मतलब अच्छे अच्छे व्यूज़ आए हैं, स्टार्टिंग के वीडियोज़ भी देखो, वो वीडियो वायरल हुए तभी जाके आज चैनल यहाँ तक पहुँचा है, धीरे धीरे ग्रो करती है, ठीक है, चैनल जो है एकदम से कभी ग्रो नहीं करता है, ये चीज़ को ध्यान में रखो, और मैं उन्हीं हेटर्स के लिए बोल रही हूँ ये सब चीज़ें जो ये बोलते हैं ना कि आपके तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पहले पूरे चैनल को देखो जाके कि किस पे मिलियन में व्यूज़ हैं, किस पे कम व्यूज़ हैं, किस पे ज़्यादा व्यूज़ हैं, फिर आके बकवास किया करो, बोला करो, ठीक है। अच्छा लेदर ड्रेस की किसी ने बोला था, जब उसने लेदर ड्रेस वाली वीडियो पे कमेंट किया तो मैं समझ गई थी कि ये बंदा कौन है, क्योंकि वो लेदर ड्रेस वाली वीडियो पे जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी, रील्स के वीडियो शेयर किए थे, उस पर भी वो बहुत ही बैड कमेंट्स कर रहा था कि आपने ये क्यों पहना है, वो क्यों पहना है, ऐसी ड्रेसें पहनो वैसी पहनो, तो भैया मेरी खुद की चॉइस है, जब मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरे कपड़ों से, मेरी रील से, मेरे चैनल से, मेरे इंस्टाग्राम पेज से, तो आपको क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है, ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है, अभी तो चैनल इतना ज़्यादा ग्रो करा भी नहीं है, और जब मुझे प्ले बटन मिलेगा तब तो पता नहीं कितनी मिर्चें लगने वाली है लोगों को, आई एम सॉरी मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, बट मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ठीक है, तो मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप उन मतलब अभी जब चैनल ग्रो कर जाएगा तब कितनी बकवास करने वाली हो, मैं वो चीज़ सोचती हूँ। लेदर ड्रेस बहुत अच्छी है, थैंक यू पारस, अब वही है ना, काफ़ी लोगों को तो पसंद आई है, लेकिन वही है, अब ज़रूरी नहीं है अगर 100 लोगों को पसंद आई है तो 100 में से 100 लोगों को ही पसंद आएगी, मतलब 20 लोगों को मतलब नापसंद भी हो गई है ना, मैंने ठीक बोला ना हाँ मतलब 20 लोग हेटर्स भी तो होंगे ना, जिनको ये बोलेंगे कि हाँ मतलब ये वाली ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, वो अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी क्यों पहनी है, वैसी क्यों पहनी है, ठीक है, कैसी मिर्ची लाल क्या शड़ा पारस बना वो स्प्राउट्स रखे हैं उसमें, ब्रेड ब्रेड खा लो, आ रही हूँ मैं भी, हाँ वो रखा हुआ है, ग्रीन टी के पर वीडियो चाहिए,
अरे ग्रीन टी पर वीडियो बनाई हुई है, सौम्य बनाई हुई है, प्लीज जाके देखो यार, वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक करो। ग्रीन टी पर मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना दिया, आई नो बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं, बट जितने उस टाइम पर मैसेजेस आए थे या कमेंट्स आए थे, रिक्वेस्ट आई थी, तो उस हिसाब से मैंने बना दी थी। 2-3 वीडियोज़ बनाए हुए हैं, शायद और भी बनाए हुए, ग्रीनिंग के फ़ायदे भी बताए हुए हैं, ठीक है। ग्रीन टी से रिलेटेड स्क्रब वगैरह भी मैंने शेयर किए हुए हैं, पैक वगैरह भी शेयर किए हुए हैं। तो ग्रीन टी के अभी मेरे को और भी टॉपिक बहुत आ रहे हैं। वेट लूज की एक वीडियो की रिक्वेस्ट आई है, वो भी बहुत जल्दी शेयर करूंगी कि वेट लूज कैसे कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। बिना उसके ब्रेड खा लो या ब्रेड पकोड़े खा लो। ब्रेड पकोड़े तो अभी नहीं बनने वाले हैं क्योंकि मेरा तला हुआ बंद है और बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है। अरमान कभी कभी खाता है ब्रेड पकोड़ा, बट उसको भी ज़्यादा शौक नहीं है। मिष्टी को अच्छा नहीं लगता है, मिष्टी को समोसा अच्छा लगता है। मेरी तरह मुझे भी समोसे ज़्यादा पसंद है, आलू वाला समोसा पसंद है। चाउमीन वाला भी कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन आलू वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। यार समोसे याद मत दिलाओ, डॉक्टर ने आज ही बंद किए हैं और मेरे मुंह में पानी आ रहा है समोसे का सोच के। हाँ वही बात है दीदी, जब कुछ लोग जहाँ जलना लगता है तो दूसरों को कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। हाँ वही ना, अब मुझे वही चीज़ समझ में नहीं आती है। मतलब जो अच्छे वीडियोस बनाए हैं, मतलब सारी वीडियोस अच्छे होते हैं सबके, सब यूट्यूबर्स के वीडियोस अच्छे ही होते हैं। पसंद नापसंद तो ऑडियंस के ऊपर होती है कि किसे पसंद आती है किसे नहीं आती है, ठीक है। जो मतलब अच्छे व्यूज़ आए हैं वो नहीं देखेंगे, जिस पे कम व्यूज़ आए हैं वो नोटिस कर रहे हैं कि इस पे कम व्यूज़ आए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछने से पहले याद रख लो कि दीदी की काफ़ी वीडियो है, फर्स्ट वॉच करो फिर रिक्वेस्ट करो। जी हाँ पहले देख लिया करो यार, 1700 वीडियोज़ हो गए हैं, देखो पहले जाके। कोई बात नहीं सर को बोलो लेके आएंगे समोसे। नहीं बोलना है सर को, नहीं बोलना है सर, नहीं बोले आज से तुम्हारा तला भुना बंद है, सब कुछ बंद है, जंक फूड बंद है। तुम पहले अपने पिंपल ठीक करो उसके बाद। अब मैं भी वही सोच रही हूँ भैया, मुझे स्लीव के पीछे पड़ना है कि हेल्दी चीज़ें खानी है, हेल्दी रूटीन फॉलो करना है, और क्या 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 बोलने वाली थी यार मैं, अपनी स्किन का ध्यान रखना है यार और ज़्यादा। क्या करूँ मैं, इतना तो केयर करती हूँ, समझ में नहीं आता और कैसे केयर करूँ यार। हाँ। समोसे तो बंद समझो मेरे 3 महीने के लिए। ढोकला खा रही हूँ आजकल तो मैं ज्यादा, ढोकला खाती हूँ, डोसा खा लेती हूँ, पिंपल ठीक करो फिर समोसे लेके दूंगा। यस यही बोला है राज ने। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता है, मैं कोई इतनी मोटी थोड़ी हूँ यार, मतलब कि समोसे खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, या वैसे भी खाते ये कितना हो आप, इतना सा तो खाते हो। हाँ मैं इनको पता है कि मैं चिड़िया जितना खाती हूँ, मतलब इतना इतना सा खाना है। मुझे भूख बहुत जोरों से लगती है, वो भी बंद है। वही देखो नन्ही सी जान पे इतना सीधा, वही ना मैं क्या बोल रही थी कि हाँ मैं इतना इतना सा खाती हूँ, इतना 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 खाती हूँ 1 साल के लिए। हीना बंद, हीना बंद और समोसे 3 महीने के लिए बंद। अच्छा ओ तो तुम्हें याद है हीना, बालों में हीना तुम्हें याद है, कमाल है। वैसे ये मुझे बहुत अच्छी लगी पारस तुम्हारी बात की, तुम हर चीज़ को इतना गौर से देखते हो, इतना अच्छे से जज करते हो, इतने अच्छे से कमियां ढूंढते हो। कमियों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके रियल सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वही होते हैं जो आपकी कमियां भी बताते हैं। बट कमियों का मतलब ये नहीं है कि आप बेइज्जती करें, ठीक है। अच्छी अच्छी वीडियोज़ का रिक्वेस्ट करो भाई, लाइक करो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। पारस भल्ला तुम इतनी बकवास कर रहे हो, इतनी सब बातें बता रहे हो, तुम वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो पहले तो मुझे ये बताओ। बोल जरूर देते हैं मेल फॉलोअर्स कि हाँ हम शेयर करेंगे मैम, हम शेयर करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है, कुछ नहीं करता कोई, सब पता है मुझे दीदी। अच्छा तुम्हें याद है, चलो बहुत अच्छी बात है। बेइज्जती कब करी मैंने? आई नो नहीं करी है, आई नो नहीं करी है, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसे लगता है मुझे, बस रहने दो तुम। चलो खैर कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ बस। अब कृपा करके शेयर कर दिया करो यार। तुम एक बात बताओ पारस भल्ला, मुझे एक चीज़ याद आ गई है, तुम अभी इंस्टाग्राम पे किसकी वीडियो शेयर कर रहे थे? मतलब और लोगों की वीडियो शेयर करने का टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है भाई करो, चलो तुम्हारा अकाउंट है तुम जो मर्जी करो, लेकिन कभी कभी एक हेल्प के तौर पर मेरी वीडियो, मेरी चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया करो अपनी इंस्टाग्राम रील्स में यार, मतलब स्टोरी में आई थिंक, हाँ स्टोरी में शेयर कर दिया करो ताकि थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। हाँ मैं जा रहा हूँ, आई लव यू। अच्छा जी मैं भी अपने सभी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से बहुत प्यार करती हूँ, तारीफ 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 कर रहा हूँ। इतने बड़े बड़े स्माइली भेज भेज के, इतने बड़े बड़े दांत दिखाकर तारीफ होती है, थोड़ा प्यार से मुस्कुराइए। आप जब तारीफ करते हैं तो यू नो थोड़ा सा एक सोभर सा एक यू नो प्यार वाला एक फीलिंग होती है आपके फेस पर। आप इतने बड़े बड़े इमोजी भी जरूर करेंगे, आपकी भी शेयर देखेंगे, लेट्स सी वेट एंड वॉच, देखते हैं। फिलहाल मेरा फास्ट फूड खाने का बहुत मन हो रहा है।
लेकिन बंद करेले खाने हैं मुझे आज डिनर में। ये हुई ना अच्छे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर वाली बात, वैसे वो भी अच्छी थी लेकिन ये वाली स्माइल मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है इमोजीज में खासतौर से। और दो इमोजी भेजने की गलती मत करना, ये गलती मत करना, क्योंकि पहले मेरे एक सब्सक्राइबर कर चुके हैं, वो दोबारा कमेंट नहीं कर पा रहे थे, यूट्यूब ने उनको ब्लॉक कर दिया था या पता नहीं क्या सिस्टम हुआ था, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपके लाइव में मैसेजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ एक से ज़्यादा इमोजी का इस्तेमाल ना करें। एंजल्स ब्यूटी की तरह शेयर करूंगा, एंजल्स ब्यूटी की तरह, आह तो तुम्हें याद है, ओह माय गॉड, हाँ उसकी तरह ही शेयर कर देना कंट्रोल कंट्रोल नो फास्ट फूड प्लीज। मुझसे देखो कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं होती है, खाने की भी नहीं होती है, हंसने की नहीं होती है, ये दो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होती है। मैं बहुत फूडी हूँ यार, वही चीज़ बंद कर रहे हो। यहाँ मौसम कैसा है, आई मीन वहाँ अच्छा, यहाँ यहाँ भी अच्छा है, बहुत रोमांटिक है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है, इसीलिए आज एसी की नीड महसूस नहीं हो रही थी। अच्छा मौसम है, रोज ही करती है वो आपकी शेयर पिक्स एंड वीडियो, अच्छा कमाल है वैसे, आप कितना नोटिस करते हो, थैंक यू सो मच, काफ़ी टाइम बाद मेरे ऐसे फॉलोअर्स मिले हैं मुझे जो इतना नोटिस करते हैं मेरी स्टोरीज को, थैंक यू सो मच, मैं बड़ी आभारी हूँ आपकी उबासी भी नहीं होती है कंट्रोल, गैस मत याद दिलाओ यार, मत याद दिलाओ, नहीं तो अभी उबासी लेने लग जाऊंगी रोज ही करती है वो आपकी शेयर पिक में, हाँ वो करती है, बिल्कुल करती है, अब मैं क्या बोलूँ, तो समझदार हो अब भाई जिसे शेयर करना है करे, नहीं करना है ना करे, मैं क्या बोलूँ अब, ठीक है कोई सपोर्ट करता है दिल से तो ठीक है, प्यार से बोल रहे हो या बेइज्जती प्यार से अब कौन प्यार से ही बोल रही हूँ, मैं कभी किसी की बेइज्जती नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं जिस हिसाब से मजाक करती हूँ या बोलती हूँ बोलती हूँ जिस हिसाब से बोलती हूँ ना, तो उस हिसाब से लोगों को लगता है कि बेइज्जती कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मेरे मजाक को मजाक ही लीजिएगा और सीरियस बातों को सीरियस लीजिएगा, ठीक है, बाकी मुझे रिसल्ट रिसल्ट करनी नहीं आती है, ठीक है, बस मेरी बातों से ऐसे कभी कभी लग जाता होगा, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, हाँ समझ गया हूँ मैं तो, अच्छा समझ गया, तुम समझदार हो, बोलती यार मतलब ठीक है, मेरी टंग स्लिप होती है, अब प्लीज इतना ज़्यादा वो मत करो, ठीक है, अच्छा दी चलता हूँ, कीप इट अप, सी यू अगेन, बाय, सी यू अगेन, बाय बाय, ठीक है, मैं अपना ध्यान रखना, ओके, और बारिश का एंजॉय करते रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखते रहो, मैं क्या बोलती हूँ ना, बारिश में भीगना अच्छी बात होती है, अच्छा होता है अच्छा होता है, बट ज़्यादा नहीं भीगना है, ठीक है, बीमार हो जाओगे। अभी मैं भी ऐसी झमाझम बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ कि जिसमें मैं रील बना सकूँ, क्योंकि मुझे बारिश का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और आज जब बारिश हुई थी तो मैं बाहर थी, क्या रील बनाती, वैसे 5 लोग देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 5 लोग देख रहे हैं, मतलब कमेंट करने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती है, और वैसे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, वैसे इस लाइव में शायद मेरे ऐसे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मैं क्या बातें कर रही हूँ, कैसे बातें कर रही हूँ, कैसे हंस रही हूँ, क्या पहना है, क्या खाया है, क्या शेयर कर रही है, क्या ये क्या वो, तो ऐसे कुछ हेटर्स भी होते हैं, कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, मेरे भी ऐसे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि सिर्फ नज़र रखना चाहते हैं कि यू नो क्या कर रही हूँ, क्या बातें कर रही हूँ, हंस हंस के कर रही हूँ, रो के कर रही हूँ, क्या शेयर कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो ठीक है भाई देखने दो, अच्छी बात है, थोड़ा सा जलने भी दो, क्योंकि जो रियल में रिश्तेदार आपसे प्यार करते हैं वो हमेशा मैसेज भी करते हैं। चलिए खैर आज के टाइम में तो रिश्तेदार के रिश्तेदार ही नाम के रिश्तेदार रहेंगे, क्या कह सकते हैं, 2 कमेंट कर रहे हैं 5 में से, हाँ बस उन लोगों को सिर्फ ये देखना है मैं क्या बातें कर रही हूँ, किससे कर रही हूँ, कौन कौन मेरे लाइव में है, क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या क्या नहीं कहेगी वो, ये देखना है, इतना फ्री होते हैं लोगों की लाइव में आके नज़र रखना दूसरों पे, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में कि कोई मुझ पे नज़र रखे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में, मैं तो बहुत खुश होती हूँ, थैंक गॉड ये देख देख के चल तो रही है इतनी बारिश हुई थी कहाँ दिल्ली में कि भीग जाए हम, ओके
यही चीज़ तो मुझे मतलब अच्छी भी लगती है और बुरी भी लगती है। भाई आप इतना प्यार से इतना कीमती समय निकाल कर आप मेरा लाइव देख रहे हो, तो एटलीस्ट कमेंट तो कर दो, गौरव मोदी चुपचाप देखे जा रहे हो। वैसे तुम इतनी पकड़ पकड़ करते हो इंस्टाग्राम पे, इतनी बातें, इतने सवाल होते हैं तुम्हारे मन में। अब यहाँ तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं है, अब जो पूछना है यहाँ पूछो लाइव में, ठीक है? हो सकता है मैं वहाँ पर जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि अभी ये जो टाइम है डिनर का टाइम भी है, उसके बाद मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, शॉर्ट व्लॉग बनाना है, यूट्यूब पे अपलोड भी करना है, फिर इंस्टाग्राम रील्स, शिमला की पिक्स, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत काम है, ठीक है? हो सकता है मैं अभी रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो इसलिए बार बार मैसेज मत करना। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि वेट मैं 11 बजे तक सो जाती हूँ, बट कल क्या हुआ कि नींद नहीं आ रही थी, और पता नहीं काम भी बहुत थे, और कुछ पिक्चर्स वगैरह देख रही थी, कुछ यूट्यूब का काम कर रही थी, तो इसलिए मैं कल रात को 1:30 बजे के करीब सोई हूँ। कुछ फॉलोअर्स सोच रहे थे पता नहीं यार आप इतनी लेट क्यों वो कर रहे हो, रील्स बोली है मैंने, ठीक है? ज़्यादा बकवास मत किया करो। तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि आप 1:30 बजे तक क्या कर रहे हो, क्यों जाग रहे हो? तो भाई काम भी हो सकते हैं, बंदे को नींद नहीं आ रही हो तो मैं, जब मुझे नींद नहीं आती है तो मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब चला लेती हूँ, या अपनी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ, कुछ पिक्चर्स जो रह गई हैं वो शेयर कर लेती हूँ। अभी मेरा फ़ोन जो है ना फुल भरा पड़ा है, गैलरी फुल हो गई है पिक्चर से, वीडियो से, शॉर्ट्स, ठीक है? तो वो मुझे बनाना है, अपलोड करना है, देखते हैं कितने दिन में कर पाती हूँ। यार बहुत काम हो जाते हैं, मैं क्या करूँ? आज मेरा पूरा दिन डॉक्टर के पास लग गया, और उसके बाद फिर घर के काम, समय नहीं मिल पाया था, ठीक है? तो फिर मैं चलती हूँ, और बोल दी है मैंने अपने दिल की बातें, आज मैंने बहुत हल्का हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं आप लोगों से अपनी खुशियाँ शेयर करती हूँ, अच्छी अच्छी बातें शेयर करती हूँ, तो मुझे अपनी बैड कमेंट्स भी शेयर करने का पूरा हक है आप लोगों के साथ, ठीक है? क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हो, फैमिली हो मेरी। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे भी लाइव आई थी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हैं। ओके बाय राधे राधे, ओके बाय कर रहे हो, राधे राधे बोलूँ? ओके बाय राधे राधे, आपकी लाइफ है, जो करना है करो। यस गौरव मोदी, वैसे ही प्यार से बोल रही हूँ कि ताना मार रही हूँ, तुम्हारी लाइफ में जो मर्जी करो मजाक कर रही हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर, मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं जाती हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है? मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सोशल मीडिया के लिंक डालती हूँ, तो चेक कर लेना। मैम आपने हैंड्स के बाल कब रिमूव किए थे? मैंने शिमला जाने से 1 दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले वैक्सिंग करवाई थी, देख लो भाई वैक्सिंग करवाई थी, तो अभी तो कोई हेयर ग्रोथ नहीं नज़र आ रही हो कहीं आपको। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम या जय श्री राम, चलिए जय श्री राम भी, जय श्री श्याम भी। ओके तो वैक्सिंग करवाई थी, तो अभी शेविंग वाली वीडियो नहीं आएंगी, बट कोशिश करूंगी। और वैसे ही मैं आपको बता दूं, मेरी हेयर ग्रोथ लेग्स की और आर्म्स की, अंडर आर्म्स की इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है, तो सॉफ्ट हेयर आते हैं मेरे, ज़्यादा हार्ड बाल भी नहीं आते हैं लेग्स पे और आर्म्स पे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है? और बहुत ही मतलब इतने इतने से बाल होते हैं जो ज़्यादा विजिबल भी नहीं होते हैं कैमरा में, मतलब जल्दी से, अभी शायद देखते हैं जैसे थोड़ी सी ग्रोथ होएगी तो मैं शेविंग की, लेग शेविंग की वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी। अभी मैं इतनी मेहनत से एक एक वीडियो बनाती हूँ, आपकी एक एक रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ, तो आप भी प्लीज़ एक अच्छे सब्सक्राइबर की तरह, एक अच्छे एक नागरिक की तरह मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है? बस इतनी सी विनती है मेरी आप लोगों से। तो चलिए जितनी आएगी उतनी वीडियो एंड पिक्स बना लेना, अच्छा ठीक है देखते हैं, चलिए बना लूँगी। क्या बनाना है वैसे, छोड़ो, मेरी भी रिक्वेस्ट है एक, जी बोले बोले, बिल्कुल बोलने का हक सबको है, बनाना ना बनाना मेरे हाथ में है, बोलने का हक सबको है, बताइए, मेरी भी रिक्वेस्ट है, बोली बोली बोली, चलिए आपकी रिक्वेस्ट सुनते हैं, बोलिए क्या रिक्वेस्ट है। और जो भी लोग सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, अगर बाद में ये सब्सक्राइब बाद में लाइव देखेंगे ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइव स्ट्रीम को लाइक कर देना, ठीक है? गौरव मोदी कह रहे हैं टैटूज़ नहीं पसंद आपको, टैटूज़ पसंद भी हैं और नहीं भी, अच्छे लगते भी हैं और नहीं भी, पसंद है बट बहुत ज़्यादा क्रेज़ी नहीं हूँ टैटू के लिए। मैम आप हेयर रिमूव करो तो लाइव करना प्लीज़। नहीं 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 क्या बकवासबाजी है, सॉरी लाइव में नहीं, लाइव में नहीं पॉसिबल होता है भैया, लाइव में क्या रिक्वेस्ट करनी, और बड़ा तुम मेरे लाइव को शेयर करने वाले हो, मिलियन में व्यूज़ ले आओगे मेरे लाइव पे, ये नहीं आईडी पे, अच्छा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तुम बोले ऐसे भेजती होगी कुछ पता नहीं,
तुमने बोला है, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, ये बोलना चाहिए ना कि मेरी भी एक रिक्वेस्ट है लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ वर्षा जी, मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, ये बोलना चाहिए था। अब आपने ही बोला ना, खैर कोई बात नहीं, ये बेइज्जती बेइज्जती मत बोलो यार, कोई बेइज्जती नहीं होती है, आप मेरे फ्रेंड्स की तरह हो, यूट्यूब मेरी फैमिली है, ठीक है, तो आप भेदड़ले से कुछ भी बोल सकते हो, जैसे फैमिली से बातें शेयर कर लेते हैं वैसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई, लाइव में मैं नहीं करूँगी शेविंग वेविंग ये की, ठीक है, ये सब बकवास बाजी, ठीक है, कोई बेइज्जती नहीं होती है। आपको ना लगता है बेइज्जती कराने का बहुत शौक है, इसीलिए बार बार तुम बोलते हो बेइज्जती होगी बेइज्जती होगी बेइज्जती होगी, क्या बेइज्जती बेइज्जती लगा रखा है, कोई बेइज्जती नहीं होती है, ठीक है। मैं अपने मन की बातें आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ और आप भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप इंस्टाग्राम पर बताइए या यहाँ बताइए, वो आपकी इच्छा है। अच्छी रिक्वेस्ट है, आपको शायद पसंद आ जाए, ओके, शायद, चलिए कोई बात नहीं, वो मैं देख लूँगी। अच्छा लगना ना लगना वो भी मेरे हाथ में है, और उस रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाना ना बनाना वो भी मेरे हाथ में है, तो जो कंटेंट अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगेगा वो, ठीक है, नहीं वहीं पे बताऊँगा, ओके ओके, नहीं वहीं पे बताऊँगा, चलो मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, बाय, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स, और क्या बोलना था, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइव स्ट्रीम को लाइक कर देना, ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय।